हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के दरमियान एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करेंगे मॉडर्न रेंज किस तरह से फाइंड किया जाता है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉड। ये डाटा गिवन है, इसका मॉड फाइंड करने बोले हैं। तो मॉड देखो, यहाँ पे मॉड को मैंने जेड से डिनोट किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा मॉड किस तरह से फाइंड किया जाता है। अभी देखो ये जो सीरीज मैंने लिखा हूँ, जो नंबरिंग लिखा हूँ, देखो इसको ध्यान से क्या है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर अरेंजमेंट कर सकता हूं नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, 21, 37, 25, 25, 22, 20, then 22, then 51। ठीक है, ये मैं लिख दिया हूं। अभी देखो कौन सा नंबर मैक्सिमम बार ओकर किया है, यहां पे आया है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, 21 एक बार आया है, 37 वन टाइम, 25 वन टाइम, 51 वन टाइम, लेकिन मैक्सिमम टाइम आया है 22। ठीक है, दो बार आया है, तो इसीलिए इसका मोड क्या आ जाएगा, इसका मोड आ जाएगा मेरा, इसका मोड मैं क्या लिख सकता हूं, 22। ठीक है, मुझे यहां पे देखना है ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो यहां पे देखते हैं कौन सा संख्या मैक्सिमम टाइम आया है। यहां पे देखो, यहाँ पे 22 दो बार आया है, इसीलिए इसका मोड क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हूं, क्या लिखा हूं, ये 15, 11, 15, then 17, 16, 14, 17, 13, then 9। यहां पे देखो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो यहां पे मुझे चेक करना है कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम ओकर किया है। तो यहां पे देखो, देखो पहला जो लिखा हूं मैं, नंबर लिखा हूं ये 15, देखो ये जो 15 लिखा हूं ये दो बार आया है, 15 दो बार आया है, तो इसको। और देखो 11 कितना बार आया है, एक बार आया है। और देखो 17 टू टाइम्स आया है, 17 कितना बार आया है, टू टाइम्स आया है, टू टाइम्स। और देखो 16 कितना बार आया है, वन टाइम आया है। 14 वन टाइम आया, और 13 ये भी वन टाइम आया, और 9 वन टाइम आया। तो इसका मोड क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम ऑकर्स करेगा इस, यहां पे जो मैं जो ऑब्जर्वेशन लिखा हूं, इस ऑब्जर्वेशन में देखो 15 आया है टू टाइम्स, और 17 आया है टू टाइम्स। ठीक है, तो इसका मोड क्या हो सकता है, इसका मोड हो जाएगा, इसका मोड मैं लिख सकता हूं आइदर 15 हो सकता, इसका दो मोड आएगा, एक आएगा 15 और एक आएगा 17। ठीक है, तो यहां पे दो मोड आ जाएगा, तो इसको भी मैंने, इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा और सी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। अभी देखो, अभी डिस्कस करेंगे रेंज किस तरह से लिखा जाता है। इसका जो रेंज मैं जो देखो ऑब्जर्वेशन लिखा हूं, यहां पे देखना है, यहां पे जब रेंज फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये जो नंबर दिया हूं यहां पे ऑब्जर्वेशन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मुझे देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। देखो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे कौन सा है, देखो ध्यान से, ये 64 है, 33 है, 17, 87, 41, 45, 97 एंड 85। देखो यहां पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये 17 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया है, 17। ठीक है, अभी हाईएस्ट नंबर क्या लिखेंगे मैं, देखो हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा, हाईएस्ट नंबर देखो यहां पे ध्यान से, इस यहां पे जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो यहां पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है मेरा 97। देखो यहां पे 64 33, देखो हाईएस्ट यहां पे मिल जाएगा मुझे 97। तो यहां पे मुझे मिल जाएगा, इसका रेंज क्या मिलेगा, पहले मैं हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर रेंज मुझे मिल जाएगा हाईएस्ट नंबर माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 80 मिल जाएगा। चले ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिलेगा, 80। इसको कैसे लिखा हूं, यहाँ पे जो डाटा गिवन रहेगा, ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन रहेगा, यहाँ पे मुझे फाइंड करना स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। आइदर इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा पहले आ जाएगा, उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा उसको मुझे मिल जाएगा, हाईएस्ट नंबर मुझे मिल जाएगा। अगर एसेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया तो तब मुझे मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों से अगर हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कर देंगे तब मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा।
तो इस तरह से मैंने मोड किस तरह से फाइंड किया हूं, पहले मोड का जो लिखा हूं मैक्सिमम टाइम, कौन सा मैक्सिमम टाइम मुझे यहाँ पे मिलेगा, वो संख्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन में कौन कितना आंसर मिला था, पहला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हूं 22 टू टाइम्स आया है, तो इसका मोस्टली इसका मोड लिखा मैं 22, तब 22 आया है, तो ये थर्ड ऑप्शन से करेक्ट था। और सेकंड क्वेश्चन में देखो 15 टू टाइम्स आया है और कितना है 17 टू टाइम्स आया है, देखो इसीलिए इसका मोड क्या आएगा 15 भी होगा और 17 भी होगा। और देखो यहाँ पे जो रेंज लिखा हूं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, ये नंबर को सीरीज को लिख दो पहले, उसके बाद इसका स्मॉलेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर कैलकुलेट फाइंड कर लो। देखो यहाँ पे इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, रेंज मिल जाएगा। ये है आज का सेशन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और हमें थोड़ा प्यार मिलेगा। फिर मुलाकात होगी अगली सेशन में, तब तक के लिए बने रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।